नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया, न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। मंडी चौकी क्षेत्र में कल देर शाम 23 साल के एक युवक साजिद की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद साजिद के परिजनों ने मेडिकल चौकी में आज जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल शाम के समय साजिद का एक्सीडेंट मंडी चौकी क्षेत्र की तरफ हो गया था, जिसे पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं साजिद के परिजनों को पुलिस ने देर में सूचना दी। परिजनों ने कहा कि यदि पुलिस समय रहते उनको सूचना दे देती तो वो उनका इलाज निजी अस्पताल में करा सकते थे, जिससे साजिद की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने सूचना उसके मरने के बाद दी। ऐसे में आज भनपूलपुरा क्षेत्र के कई पार्षद और जनप्रतिनिधियों के साथ साजिद के परिजन पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। रात 8 बजे एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है रामपुर रोड पर, ये आता है क्षेत्र अपना मंडी क्षेत्र में, और 8 बजे उसको पुलिस द्वारा भेजा जाता है अस्पताल में, सुशीला तिवारी अस्पताल में, जिसमें पुलिस के हिसाब से और अस्पताल की रिपोर्ट के हिसाब से 2 घंटे बच्चा जीवित था। उस 2 घंटे के बीच में परिवार को कोई सूचना नहीं दी जाती, ना पुलिस द्वारा ना अस्पताल द्वारा। अगर हमें सही समय में सूचना मिल जाती है, 2 घंटे के अंदर उसका उपचार करा सकते थे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर रेफर करा के बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन 2 घंटे जब तक जीवित रहा, ना पुलिस प्रशासन ने बताया, ना अस्पताल प्रशासन ने कुछ बताया, और उसके बाद भी 10:10 पे बच्चा मर चुका है। 1 बजे रात, ये बता रहे हैं मंडी मेडिकल चौकी वाले कि हमें मॉर्चरी से सूचना मिली, कि मतलब पुलिस की नॉलेज में कहीं से कहीं तक नहीं, सब इसमें खाना पूर्ति कर रहे हैं, और उसके बाद 16 घंटे के बाद उसके परिवार को सूचना दी जा रही है, जबकि उसके पास उसका आधार कार्ड था, उसके पास उसका मोबाइल फोन था, उसके पास सिम था, जबकि सिम द्वारा आज भी फोन करा गया जो 1 बजे, ये कल रात भी किया जा सकता था। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं पुलिस और अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। अभी क्या मांग है आप लोग की, अभी क्या कहा? नहीं, अभी तो पंचनामे में हमने ये लिखवाया है कि इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसको दोषी को सख्त से सजा मिलेगी, इसके आगे जांच होगी। जो सीओ लालकुआ ने आगे आश्वासन दिया और वही हमने पंचनामे में भरवाया गया है। मामला ये है कि नई बस्ती का एक जो वर्कशॉप का काम करने वाला है, कल अपने घर से काम के लिए गया था वो, रात को वापस नहीं आया। घर वाले इस वजह से थोड़ा चिंता में थे कि हो सकता है कि कोई और काम मिल गया होगा उसको, लेकिन आज उनको सुबह सूचना मिली कि उनका लड़का एक्सपायर हो गया कहीं एक्सीडेंट में। तो पता ये चला कि मंडी चौकी और हॉस्पिटल की बहुत बड़ी नेगलिजेंसी रही है इसमें। एक चोटिल को जो जिसकी की दुर्घटना मंडी चौकी क्षेत्र में हुई थी, पुलिस द्वारा सुशीला तिवारी अस्पताल पहुँचाया गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि स्थानीय होने के बाद भी उसकी सूचना समय पर उनको नहीं मिली, जबकि अस्पताल और पुलिस पक्ष के पास मृतक की कोई आईडी या शिनाख्त तब प्राप्त नहीं थी, जब प्राप्त हुई तो सूचित किया गया। क्या यह वास्तव में प्राप्त नहीं थी या कोई लापरवाही बरती गई है, एक जांच का विषय है, उसके बाद इसमें अग्रिम निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।